किसी और को याद है? वरुण याद है? आ जाए स्टैंड में आ। देखो डर को खत्म करना, घबराना मैंने कहा नहीं। इसी बात की चीजें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बताएं, पहला दिमाग को हाजिर रखना है, दूसरा डर को खत्म करना है, तीसरा जो है हाथों को इस्तेमाल करें यूं तेज या थोड़ी सी आगे आ जाए। आपको मैं आगे देने के सारो आपकी जगह तू का आप तू की जगह आपका इस्तेमाल करना है और हर किसी से सवाल पूछना है। और क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें। यही चीजें नहीं और किसी को चीजें याद है सर, देखिए आप बता देंगे तो आप आ गए अपनी चीजें आगे से। हाँ ये याद है आपको। देखो सबसे पहली कौन सी बात थी? आप जल्दी आ जाए। या आप खुद कम आवाज को कर रहे हैं, या अभी तक वो जो मैं डस्टबिन लेके आया था, वो डस्टबिन चार में लेके आया, आवाज एक बरेन ले रही है, वो लेकर कब्सूम ले रही है, दो है वो, ठीक है। इसका भी वो डर भगाने के लिए वो डस्टबिन में हम डर को डालेंगे, फिर डर को नहर में लेके जाएंगे, पानी डालेंगे, फिर वो डर बहता 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 सफर करता करता कहाँ चला जाएगा? इतना दूर चला जाएगा कि हमारे करीब आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। शाबाश, बताएं इधर आए, इधर आए, जोर से बताएं, जोर से। पहली बात सर ने कही थी कि दिमाग को यहाँ पर आगे रखना है, दूसरी बात कही थी सवाल करना है, डर को बाहर निकालना है, और चौथी बात कही थी शाबाश शाबाश भाई, तू की जगह आपको इस्तेमाल करना है। सही है, क्या हो गया, हो गया, हो गया, शाबाश। इतनी आसान आसान बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ आपको सिर्फ आपके अंदर सेरिश बोलेगी सर पढ़ाता है, मैं कभी इधर देखती हूँ कभी उधर देखती हूँ, सर फिर मुझसे ही क्यों कहते, सर मुझे ही क्यों कहते हैं? तो एक है कसूम ये, एक बैठी हुई है, एक है इसके अंदर बैठी हुई है, जो क्या है वो बात करना भी चाहती है लेकिन डर लग रहा है, डर स्टेज पे आना भी चाहती है लेकिन डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है? उस दिन आपने पूरे क्लास रूम को देख लिया था, सबसे पहले फैन को देखा, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है इसको देखा, मेरे हाथ में जो ये मार्कर पड़ी हुई थी इसको देखा, ये सारे ये पार्ट फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये जितनी भी चीजें थी हमने सारी देख ली। तो आप इनको नहीं देख रहे, आप इधर देखें, तवज्जो इधर की तरफ हो, जो बातें आपने सबसे पहले ये बात मैंने कही थी पहले आपको कि माइंड को आपका जो ब्रेन है उसको हाजिर इधर रखना है, किधर रखना है? इधर रखना है, जोर से आवाज नहीं आ रही, जिस वक्त हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस वक्त सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है, कोई और चीज नहीं सोचनी। इस वक्त हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका जहन सिर्फ इस वक्त इधर ही होना चाहिए, कहीं बाहर घूम रहा ना हो, ना इससे क्लास रूम जितना है इससे कहीं भी बाहर ना हो, सिर्फ तवज्जो इधर होनी चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? और रिपीट कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? जो कलम चीजें परसों हमने पढ़ी थी, कल जो हमने पढ़ी थी और आपने जो बताई भी थी, तो पहले सबसे पहले दिमाग को इधर हाजिर रखना है, दिमाग को आप। दूसरी बात क्या थी? डर को खत्म करना है, डर को खत्म करना है। ये डस्टबिन छोटा सा डस्टबिन, ये क्या है? शार्पनर है, नजर आ रहा है सबको, ये क्या है? डस्टबिन है, इसके अंदर हम डर को डालेंगे, ठीक है? वैसे डस्टबिन, ये डस्टबिन शार्पनर डस्टबिन जैसा है, शेप इसकी डस्टबिन जैसी है, हाँ ठीक है। इधर देखें, तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें। उस दिन हमने क्या किया था, ये देखिए डर हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा,
डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आलिमा बनना चाहती है, चाहते हैं, और कोई बहुत बड़े ख्वाब है, बहुत बड़े हमारे ड्रीम्स है, लेकिन बार बार डर आ जाता है, गिरने का डर, गिर जाऊंगा फिर क्या होगा, पेपर में फेल हो जाऊंगा फिर क्या होगा, मकसद में कामयाब नहीं हो सका फिर क्या होगा, कसम कह रही लोग मुझे क्या कहेंगे, तो लोगों की बेटा फिक्र, लोगों की फिक्र, लोगों की फिक्र नहीं करनी, इसलिए डर जो है ना आगे बढ़ने नहीं देता, इधर इधर सारी तवज्जो दे, ये जो डर है डर हमें जीने नहीं देता, डर हमें हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने नहीं देता, हम जो ख्वाब देखते हैं उसको भी कैसे पूरे करें, ये डर लगता है। स्टेज पे मैं आज ये जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं आप में से किसको फरहान को बुलाऊं, ठीक है, और किसी को यहाँ पे बुलाऊं, डर लगता है। स्टेज पे आपका सर देखेगा, बाहर का कोई बंदा आएगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने डर लगता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्या फियर, फियर, डर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, F-E-A-R, डर, ये डर जो है ये बहुत सारी चीजें हमें पीछे छोड़ देता है, बहुत सारे हमारे ख्वाब जो है वो पूरे होने नहीं देता, तो इसके बहुत सारे मुख्तलिफ जो डिफरेंट है इसे भगाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन एक छोटी सी चीज हमने जो सोची थी, हमें ये किया था कि ये डस्टबिन में हर एक बच्चे ने इस पे अपनी शहादत की उंगली रखी थी, यूं खोल के, ठीक है, यूं खोल के इस पे शहादत की उंगली रखी थी, फिर हमने शहर सीधा देखे, इधर बेटा इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो, आगे की तरफ जाते हैं, आज के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले वो चीजें आप रिपीट कर लें, कोई बोर हो रहा है, कोई सुस्त हो रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी को नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आ रही, सर इसको नींद आ रही है, तो आप इधर तवज्जो करें, ठीक है, किताब को नीचे रख लें, शाबाश, किताब को नीचे, इधर तवज्जो करें, सारे तवज्जो इधर करें, मेरी तरफ देखें, तो ये क्या है, डस्टबिन है, बहुत सारे तरीके हमने भगाए थे, लेकिन कुछ बच्चे रह गए थे, तो उन बच्चों की बारी आ गई है, अब जो बच्चे उस दिन नहीं थे, उस दिन जो बच्चे नहीं थे उसको हम बुलाएंगे, वो यहाँ के कहेंगे के नाम लेके इसका डर इसके अंदर आ गया, फिर हम करेंगे क्या वो मैं बताऊंगा बाद में, कि ये हम इतनी छोटी सी चीज क्यों कर रहे हैं, अब कौन आएगा, फरहान आप इधर आ जाए, शाबाश इधर आ जाए, इधर आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी स्टेज पे आए, डर लग रहा है आपको, स्टेज आने का डर लग रहा है, यहाँ पे देखे, उधर देखे, इधर हाथ रखे, शाम की उंगली याद रखे, अब जोर से कहना, आपको क्या कहना है, जोर से के फरहान का डर इसके अंदर आ जा, इरफान का डर इसके अंदर आ जा, डर को, डर जो है डर को मजबूत करो, डर को मोटा करो, डर को हौसले से बाहर निकालो, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप भगा रहे किसको है, डर को इसके अंदर डाल रहे, तो क्या नाम है आपका, इरफान का डर इसके अंदर आ जाए, डर को मजबूत करो, डर को, डर, इरफान का डर इसके अंदर आ जाए, इरफान का डर इसके अंदर आ गया, सिर्फ इस इरफान का डर नहीं आया, इसके क्या हुआ, टू क्लास वालों का डर भी इसके अंदर आगे डाल दिया, इतनी छोटी सी चीज है, डर नजर आ रहा है, बता रहा हूँ क्यों, वेट बता रहा हूँ आपको, अब कौन आएगी, बेटा डर लग रहा है आपको, बेटा सवाल इधर आप रखे, नहीं आप वेट करें, कंसुम डरना बिल्कुल बेटा नहीं है, डरोगे तो क्या स्टेज पे, बिल्कुल डरना नहीं आपको, हाथ रखे ना, कंसुम का डर इसके अंदर आ जाए, डर को मजबूत करो, डर को मजबूत करो, रास्ता बिल्कुल नहीं बेटा, पढ़ाई के मामले में सीरियस, बिल्कुल सीरियस, और डर को हमने भगाना है, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, और कलसुम दो मतलब कहेगी, कलसुम का डर इसके अंदर आ जाए, लेकिन कलसुम डर को मजबूत करेगी, ठीक है, बताए शाबाश, डर को मजबूत करे, डर, डर, कलसुम का डर इसके अंदर आ जाए, एक मिनट बाहर, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, ये आ गया, वेल डन, कलसुम का डर भी इसके अंदर आ गया,
ये कितने कितनों कितनों का डर है इसके अंदर आपको पता है? बहुत छोटी सी चीज है ये इरफान का डर, इसके अंदर ये कहीं और जगह में चला गया। ठीक है, और क्या है, परसों का डर आ गया, परवीन का डर इसके अंदर आ गया, आपका नाम क्या बताया था आपने? हाँ, ये सारा पढ़ाई के मामले में टीचर से डरना नहीं है बेटा, यही मैं आपको चीजें इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, ये बार बार इसके में चीजें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीजों को आप समझ रहे हैं। देखो डर खत्म हो गया होगा तो आप ये सर हम समझ रहे हैं, आप जोर से कहते हैं, लेकिन डर अभी तक खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, डर खत्म हो गया। आप हंसू से यस कहते, हाँ कहते, नो सर कहते, मैं यहाँ पे कोई भक्ति कर रहा था, आप यू ऑब्जेक्शन, आप यू रेज योर हैंड करके ऐसे करके जब आप कहते सर आप गलत बोल रहे हो, ये चीज ऐसे नहीं है, ये चीज ऐसे है। मैं कहता हूँ आपकी दो आंखें हैं, मैं कहता हूँ आपके दो मुंह हैं, नहीं सर, एक दो आंख, तो अभी आपने बताया तो अभी तक डर है, तो ये मैं गलती कर रहा हूँ? दो आंखें आपकी हैं इसमें कोई शक नहीं, सेल्स की दो आंखें हैं और जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे सारों की दो आंखें हैं, नाक आपके दो हैं, लेकिन उस्ताद ने डर पढ़ाई के मामले में सबसे पहले जब भी आपको पढ़ाई करनी है, जब भी आप स्टडी करें, जब भी कोई टीचर या आके आपको बोर्ड पे पढ़ाए, या तो उस वक्त आपका माइंड सिर्फ वहां पे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तो यहाँ पे तवज्जो दें। ठीक है, ये डर बेटा कहाँ है डर, ये बता, आप बोल रहे डर है, आप बिल्कुल सही, डरना मुझसे बिल्कुल भी डरना नहीं है, खत्म किसको करें, डर को खत्म करें, तो डर को खत्म करने के लिए आप मुझसे डरोगे तो डर भागेगा कैसे, हम तो भगा रहे हैं डर का, सर टारगेट जो है हमारे वो क्या चीज है, डर, डर भाग गया फिर सारी चीज आसान हो जाएगी, फिर आप इससे भी डरोगे, डरोगे का अदब होना चाहिए, वालिदैन का अदब होना चाहिए, अब्बू का अदब होना चाहिए, अम्मी का अदब होना चाहिए, भाइयों का अदब होना चाहिए, बहनों का अदब होना चाहिए, सारों का अदब होना चाहिए, लेकिन 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 डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, तो किधर है डर ये बताओ, नजर आता है डर नहीं आता, कहा है बेटा उन्होंने कहा कि डर इसका आ जाए, कलसुम का दो तीन मरतबा का, कलसुम का डर इसके अंदर आ जाए, कलसुम का डर, ये डर आ गया लेकिन डर दिखाई नहीं दे रहा। कल हमने सारे क्लास में क्वेश्चन की थी कि सारे बच्चों को बुला के वो यहाँ पे उंगली लटके कह रहे थे उनका डर इसके अंदर आ जाए, डर अब मैं बताता हूँ डर है कहाँ, डर है कहाँ, देखिए इसके अंदर कोई डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब सब डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मैं यही बता रहा हूँ डर नाम की कोई चीज होती नहीं, इसकी कोई शेप नहीं होती, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप कोई और, जैसे हम इंसानों की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरी शिकर, आप सारे बैठे हुए माशाल्लाह, इसकी आंखें छोटी, इसकी आंखें बड़ी, जिसकी आंख बहुत बड़ी, जिसकी आंख बहुत छोटे, ऐसे है नहीं है तो बताते क्यों नहीं, डर अभी तक डर से इसका फिर बाहर उधर जा रहा है बेटा, इधर तवज्जो दे, तवज्जो दे, देखिए कसम वाली ये दो से सारे सुन रहे हैं, आप इधर तवज्जो दे, ठीक है, पढ़ना है आपने चीजें सीखनी है, बुक्स को भी पढ़ना है, स्टडी करना है, सिलेबस को भी देखना है, और जो चीजें आपके टेस्ट में है वो भी पढ़नी है, तो मैं ये बता रहा हूँ डर नाम की कोई चीज है नहीं, सिर्फ हमें वहम हो गया, दिमाग के अंदर वहम हो गया। अब बताओ असल बात क्या होती है डर को बहुत सारे तरीके भगाने के लिए, एक तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस रिपीट करें, मैं बताता हूँ आप बोलते जाए, किसी को नींद आ रही है, नहीं 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 सर, लेकिन पता नहीं क्या चीज है, कभी जब वो बारी आती है क्या मैं हाथों का
जो है हाथों को हिलाना है या हाथों के इशारों से बातों में बातें करनी है, वो तब होता है जब हम कहते हैं हाथों को इशारों करें तब ठीक है भाई हम करेंगे। लेकिन जब होती है भाई ये चीज खामोश नहीं बैठे होते, सर उठता है करो फिर क्यों आप उठ जाते हैं ऊपर उठ जाते हैं, ये सर बार बार क्यों नहीं कर रहे, हम समझ गए सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए आप सुस्ती होगी आपको, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा, आपका डर खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप इशारों से बातें करोगे तो क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जैसे हम बातें करते हैं बात आप समझ जाते हो, आंखों से इशारे करते हैं बात समझ में आ जाती है, इसी तरीके से इस बॉडी लैंग्वेज का भी 45% इसका भी रोल होता है, 45%। इसलिए ये हाथ भी बोलते हैं, पांव भी बोलते हैं, जुबान भी तो वैसे बोलती है ठीक है, आंखें भी बोलती हैं, सारी चीजें बोलती है, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है, हाथों का इस्तेमाल सबको करना है, अब आप अपना नाम बता, नाम क्या है आपका, मेरा नाम परिया है। अब इससे सर मेरा नाम परिया है, बताए साहब, मेरा नाम परिया है, मेरा नाम परिया है, बताए आपके अबू का नाम बताए सर, में अभी इशारे चेंज करें, एक ये हो गया एक ये हो गया एक यू कह रहे ऐसे करें, चेंज जितनी तब्दीली आएगी उतनी सारी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे ठीक है, बता दीजिए। मेरे अबू का नाम अस्तफान है। हाँ ठीक है, डर है अभी बैठ जाए आप, डर को हमने भगा